गाइस मेंटोर सुनील क्यूटी बेबी का कमेंट है कि उनका बच्चा मॉडरेट ऑटिस्टिक है, उसमें आईक्यू टेस्ट करवाना चाहिए और वो सारी की सारी एक्टिविटीज खुद करवा रही हैं। इसी के ऊपर कमेंट करेंगे कि इन बच्चों में आईक्यू टेस्ट का क्या रेलेवेंस है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166709029 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। देखिए आईक्यू टेस्ट किन कंडीशंस में करवाना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में ढंग से परफॉर्म नहीं करते, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको आईक्यू टेस्ट दिया जाता है क्योंकि उसमें वो सही या गलत करेंगे। लेकिन इन बच्चों में जिनमें अटेंशन फोकस कंसंट्रेशन ही नहीं है तो ये तो उन सब टेस्ट के ऊपर फेल हो जाएंगे क्योंकि ये बैठ करके करेंगे नहीं उसको। इसलिए आईक्यू टेस्ट इन लोगों में रेलेवेंट नहीं है। अगर आप करवाएंगे आपका बच्चा, क्योंकि ये होता है मेंटल रिटार्डेशन को जज करने के लिए, ये ऑटिज्म की डिग्रीज को जज करने के लिए नहीं होता। और अदरवाइज भी आपके बच्चे का जो ब्रेन है दैट इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली, सिर्फ एक प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से आपका बच्चा कुछ एक्टिविटीज़ को कर पाता है कुछ को नहीं कर पाता। तो जो आईक्यू टेस्ट होता है उसका रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आईक्यू 40 तक होगा तो ये होगा, 50 तक होगा तो ये होगा, 70 तक होगा तो ये होगा, 100 तक होगा तो ये होगा, ये सारी की सारी बातें आपको पता चलती है। जैसे एवरेज आईक्यू जो है वो 100 के आसपास होता है और 80 तक आपको ये कहते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल, अगर आप 80 क्रॉस करते तो आपका बच्चा नॉर्मल रेंज में आएगा 80 के नीचे। अगर आपका बच्चा 70 to 80 के बीच में होता है तो बॉर्डर लाइन रिटार्डेशन होती है, 50 to 70 के बीच में होता है तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होती है, 35 to 50 के बीच में सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है और उसके नीचे प्रोफाउंड रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन थोड़ा जज करना है आपको, इसलिए आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आईक्यू के बारे में सोचना बंद कीजिए। आप अपने बच्चे पे फोकस कीजिए, उसका फोकस कंसंट्रेशन अटेंशन उसका इन्वॉल्वमेंट इम्प्रूव होना चाहिए, उससे आपका बच्चा ठीक होता है। आईक्यू इज नॉट अ कंसर्न एट ऑल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा कमेंट्स ज़्यादा वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, बाय।